प्रदेश में आचार संहिता हटने के बाद लगातार युवाओं का संघर्ष जारी है और आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बाहर सैकड़ों अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ मनोज मीणा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार ये अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से अपने परिणाम को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से गुहार लगा चुके हैं। मनोज, किन मांगों को लेकर आज प्रदर्शन किया जा रहा है? देखो, ऐसा है, लंबे समय से राजस्थान के बेरोजगार युवा अपनी परिणाम की मांगों को लेकर परेशान है। लंबित भर्तियों के परिणाम जारी नहीं हो रहे। वन रक्षक की प्रोविजनल सूची 83 पदों पर एक साल पहले का कार्य है जो अभी तक पूरा नहीं हो रहा। फायरमैन की 120 छात्रों की प्रोविजनल सूची जारी नहीं हो रही। रीट लेवल 2 अध्यापक भर्ती में इंग्लिश का, संस्कृत का, SST का, हिंदी का, साइंस मैथ का, इनका परिणाम जारी नहीं हो रहे। और जब पहले विधानसभा के चुनाव आ गए, फिर लोकसभा के चुनाव आ गए, फिर लोकसभा की आचार संहिता हट गई, पहले चुनाव में ये कह रहे थे परमिशन नहीं मिल रही, परमिशन को लेकर भागदौड़ करी, कर्मचारी चयन बोर्ड को परमिशन दिलवाई, उसके लिए इस धूप में लगातार भागदौड़ करके वो कार्य करवाया, उसके बावजूद भी परिणाम जारी नहीं हो रहे। अध्यक्ष साहब ने कहा था कि 7 तारीख तक हम पेंडिंग रिजल्ट निकालेंगे, 7 तारीख तक निकल गई है, लेकिन पेंडिंग रिजल्ट का अभी तक कोई पता नहीं है। जो बोर्ड में सचिव है भजाल साहब, उन्होंने 5वें महीने में एक भर्तियों का परिणाम को लेकर कैलेंडर जारी करा था, याद है ना सबके? वो कैलेंडर अभी भी ट्विटर पे घूम रहा है, बच्चे जवाब पूछ रहे हैं सचिव साहब से, सचिव साहब क्या हुआ आपकी उन डेटों को? तो जो परिणाम है, जूनियर अकाउंटेंट का जो परिणाम उसकी तारीख दी इन्होंने, सूचना सहायक के जो परिणाम उसकी तारीख दी इन्होंने, CHO के जो परिणाम उसकी तारीख दी, संगणक का परिणाम उसकी इन्होंने तारीख दी, मैं पूछना चाहता हूँ तारीखों का क्या हुआ? ये क्या कोई ये परिणाम मांग रहे बच्चे, और तारीख पर तारीख मिली जा रही है और परिणाम आ नहीं रहा है। आप समस्याओं को हल कर रहे हो, लेकिन कैसे हल कर रहे हो? आप खुद ही तारीख जारी करते हो, अध्यक्ष साहब के दोबारा जारी, चाहे तारीख की गई हो चाहे भजाल साहब के दोबारा तारीख जारी की गई हो, अगर उनपे भी परिणाम नहीं आता है तो बच्चे कहाँ जाए? बच्चे किससे गुहार लगाए कि परिणाम नहीं आ रहा? पूरे राजस्थान के कोने कोने से आज ये बहने बैठी है यहाँ पे, इनके बच्चे हैं, इनके घरवाले हैं, इनको छोड़ के ये यहाँ ये परिणाम की मांग करने को लेके पूरे राजस्थान के कोने कोने से इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में ये पूरे युवा साथी यहाँ पहुंचे हैं। क्यों पहुंचना पड़ रहा है, क्यों आना पड़ रहा है बार बार में? कर्मचारी चयन बोर्ड को एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए कि भर्तियों के साथ में पूरा कैलेंडर डाले कि कब परिणाम आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, यहाँ बच्चों को आना ही नहीं पड़े। आप खुद तारीख देते हो, उसमें खुद भी आप पे परिणाम जारी नहीं होता, फिर आप बच्चों के ऊपर आप दोष लगाते हो कि बच्चे तो ये समझदार नहीं है, बच्चे तो ये यहाँ पे इस प्रकार से आते हैं, धरना करते हैं, बच्चे करेंगे क्या? परिणाम 6 दिसंबर को लागू हुआ था, 11 दिसंबर को प्रोविजनल लिस्ट आई थी और 7 दिन में हमने सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के दूर दे भी दिए थे और 15 तारीख को वेटिंग रिजल्ट छोड़ के उनकी ज्वाइनिंग भी दे दी गई और हमें आश्वासन दिया कि हम आपको उनकी ज्वाइनिंग रोक देंगे, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं रोकी गई और हमारा रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। ये देखिए, सैकड़ों अभ्यर्थी यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड की तरफ से इनकी तरफ अभी तक कोई किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। कुछ महिला अभ्यर्थी और, मैम कहाँ से आए, किस? मैं राजस्थान के सीकर डिस्ट्रिक्ट पाटन ब्लॉक से हूँ। मैं रीट लेवल 2 इंग्लिश के लिए आई हूँ। कुछ पॉइंटों से रहने की वजह से मूल पदों पर रिजल्ट करने की आश्वासन चाहती हूँ। देखिए, तमाम अभ्यर्थी कई भर्तियों से जुड़े हुए हैं और लगातार पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और कई बार इन्होंने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चक्कर भी काटे हैं और लगातार ये पिछले 6 महीने से अपने प्रदर्शन कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने कई बार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ भी ये लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड की तरफ से अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं की। कुछ गुड़िया, किस मांग को लेकर आप मम्मी के साथ? मम्मी टीचर बनने के लिए। कितनी बार आ गए आप? 15-20 बार। बार-बार आते हैं, कुछ कहते नहीं, जवाब नहीं देते। तमाम अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से संघर्षरत हैं और लगातार ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने अपना संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं सुनील कुमार, कैमरामैन सहयोगी संजय शर्मा के साथ द नगरी मीडिया।